कबूतर प्रकृति की अनुपम रचना, शांति का प्रतीक, बहुत ही खूबसूरत पक्षी। इस कबूतर पर यह बहुत सुंदर निबंध। कबूतर एक बहुत ही सुंदर पक्षी है और यह पूरे विश्व में पाया जाता है। कुछ लोग कबूतर को पालते भी है। कबूतर विभिन्न प्रकार के और तरह तरह के रंग में पाए जाते हैं। भारत में केवल सफेद और स्लेटी कबूतर पाए जाते हैं। सफेद कबूतर घरों में पाले जाते हैं, जबकि स्लेटी और भूरे कबूतर जंगलों में पाए जाते हैं। कबूतर के पास एक चोंच होती है और इसके पंजे ज्यादा नुकीले नहीं होते हैं। इनके पंजों की बनावट इस तरह होती है कि यह आसानी से पेड़ की शाखाओं को मजबूती से पकड़ सकते हैं। वह गुटरगूं की आवाज करता है। कबूतर बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। इन्हें शांति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए ही उसे हम शांति दूत भी कहते हैं। पुराने जमाने में इन्हें संदेश देने के लिए भेजा जाता था। कबूतर बहुत ही बुद्धिमान पक्षी होता है। यह अपना रहने का स्थान ऊंची इमारतों और ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर बनाता है। कबूतर की जंगल में आयु 6 बरस की होती है। ज्यादातर कबूतर शाकाहारी होते हैं। वह अनाज, बाजरे के दाने और फल आदि खाते हैं। यह मीलों का सफर तय करके वापिस उसी राह से दोबारा अपने स्थान पर जा सकता है। कबूतर अपनी सुंदरता के कारण राजा महाराजाओं के महलों में भी रहता है। कबूतर को अच्छे भाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। कबूतर अपने आप को शीशे में देखकर पहचान लेते हैं और प्रतिबिंब को देखकर धोखा नहीं खाते हैं। कबूतर किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलते हैं और दोबारा दिखने पर उन्हें पहचान लेते हैं। कबूतरों को समूह में रहना पसंद होता है और साथ ही इन्हें इंसानों के साथ रहना भी अच्छा लगता है। कबूतर स्वभाव से मिलनसार होते हैं। कबूतर की देखने और सुनने की क्षमता अद्भुत होती है। वह भूकंप और तूफान की आवाजें आसानी से सुन सकते हैं। आज दिन प्रतिदिन कबूतरों की संख्या घटती जा रही है। यह बहुत चिंता की स्थिति है। हमें कबूतरों की रक्षा हमेशा करनी चाहिए।